एंटी करप्शन कमेटी के वीरेंद्र कुमार मिश्र मीडिया प्रभारी प्रयागराज के द्वारा विकास प्राधिकरण जनपद प्रयागराज के यहां से गुरु शंकर मिश्र मकान नंबर 20 न्यू मानस नगर नैनी प्रयागराज पर निर्माण कार्य किया जा रहा था उसके संबंध में जांच कार्रवाई की जानकारी ली गई तो यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) एवं 28(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दिनांक 3 नवंबर 2018 को कार्रवाई की गई थी। दिनांक 3 नवंबर 2018 को थाना नैनी को भी पत्र जारी करके भेजा गया था। केटी लाइव न्यूज के लिए ब्रह्मानंद चौधरी की रिपोर्ट। एंटी करप्शन कमेटी से वीरेंद्र कुमार मिश्र मीडिया ऑब्जर्वर प्रयागराज। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि गुरु शंकर मिश्रा न्यू मानस नगर मकान संख्या 20 नैनी प्रयागराज में मकान बनाया जा रहा है। अवैध निर्माण रोकने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) व 28(1) के अंतर्गत दिनांक 15/11/2018 को सुनवाई तिथि निश्चित नियत करते हुए दिनांक 3/11/2018 को कार्यवाही की गई थी तथा 3/11/2018 को थाना नैनी को भी पत्र जारी किया गया था तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 28(2) के अंतर्गत निहित प्राविधान के अंतर्गत श्री आलोक कुमार पांडे जोनल अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2019 को आदेशित किया गया कि निर्माण स्थल से निर्माण कार्य तथा उसके सहयोगियों और मजदूरों को 2 दिन के अंदर हटाकर अधो हस्ताक्षरी को सूचित करें जिससे स्थल पर निर्माण कार्य न हो सके। इसके बावजूद भी अभी 1 हफ्ते पहले 3rd फ्लोर का स्लैब ढलाई किया गया है जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि गुरु शंकर मिश्रा से विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी एवं कर्मचारी मिले हुए हैं। इसी वजह से पत्र तो जारी कर दिए पर 2 अगस्त 2019 को पत्र जारी किया गया थाना नैनी को। थाना नैनी के जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनके मिलीभगत व विकास प्राधिकरण के मिलीभगत से गुरु शंकर मिश्रा का मकान का स्लैब ढलाई करवा दिया गया। 3rd मंजिले का मकान पूर्ण करवा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक होगा जो जनहित में होगा। साथ ही साथ गुरु शंकर मिश्रा के विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक होगा।